विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि उद्योग क्या है, उद्योग तो सबसे पहले जहाँ वस्तुओं का निर्माण होता है या वस्तु को हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके उसका निर्माण करते हैं उसे उद्योग कहा जाता है, इसलिए कहा गया है कि विनिर्माण उद्योग। अब इसमें हम देखेंगे कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन, मतलब जो हमारा कच्चा पदार्थ है ना, जैसा हमने आपको बताया कि जो हमारा मूल्यवान उत्पाद है वह कच्चा पदार्थ जो है उसको हम क्या करेंगे, परिवर्तित करने के लिए वो कहाँ जाएगा, उद्योग में जाएगा, उद्योग में ही हम उसका निर्माण करेंगे। इस तरह से उत्पादन होगा, विनिर्माण होगा, वस्तु का निर्माण कहा जाता है। जैसे कि कागज से लकड़ी, मतलब कागज जो है वह बनाया जाता है लकड़ी से, लकड़ी से बनेगा, चीनी गन्ने से बनेगा, लोहा इस्पात से और अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है। तीसरे से हम देखेंगे कई किस्म के ऐसे रेशे भी बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। जैसे कि आप जूट देखते होंगे, फिर जो बोरी बनती है वह भी रेशा उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। फिर द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति जो है वह क्या करेगा, जो कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करती, जैसे स्टील है, कार है, कपड़ा है, उद्योग है, बेकरी है। अब ये सारी चीजें तो हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त नहीं होती हैं, ये क्या होती है, ये सारे कच्चे माल से परिवर्तित होने के बाद स्टील जो हमारा जैसे अयस्क हमने पढ़ा था पिछले, उसमें हमने तुमको खनिज पर बताया था, तो वही चीजें हैं कि खनिज से ही स्टील को हमने परिवर्तित किया तो कार बना। कपड़ा उद्योग में कपड़ा कैसे बना, सबसे पहले तो सूती जो कपास आया, कपास से हमने सूत बनाया, सूत धागा बना, धागा से फिर वह वहां गया, मतलब वो उसको परिवर्तित होते होते बाद में धागों को बुनने के बाद वह कपड़ा बना। इस तरह से वह धीरे धीरे वह परिवर्तित होता चला जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, जो श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कुछ व्यक्ति जो सेवाएं प्रदान करते हैं और कुछ द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग में मापी जाएगी। फिर है विनिर्माण का महत्व, मतलब विनिर्माण का महत्व क्यों है। विनिर्माण उद्योग ना केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि वह द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि एवं उस पर निर्भरता को क्या करता है, कम करता है। कृषि पर निर्भरता को इसलिए कम करता है क्योंकि जब हम ये कच्चा माल का उत्पादन करेंगे तो स्वाभाविक है व्यक्ति कच्चा माल का उत्पादन करेगा, उसको लेके वह उद्योग में भेजेगा। इस तरह से कुछ लोगों को हम क्या करेंगे, उसमें रोजगार देंगे और वह कृषि पर आश्रित नहीं रहेगा। उसी तरह देश में जो औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन में जो आवश्यक शर्तें हैं, वह सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र में भी लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित होते हैं। जैसे जनजातीय हैं तथा पिछड़े क्षेत्र में उद्योग हैं, इसकी स्थापना का उद्देश्य ही क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय असमानता को इसलिए कम करता है क्योंकि वहां पर गरीब गरीब नहीं रह जाता, अमीर अमीर नहीं रहता, मतलब सारे लोग उस कार्य में लग कर अपने आय को उपार्जन करते हैं, मतलब धन प्राप्त करते हैं और कार्य में लगे रहते हैं। फिर विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है तथा अपेक्षित विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ निर्मित होती है, जैसे मलमल का कपड़ा जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर हमारे यहाँ के मसाले हैं वह भी बहुत प्रसिद्ध हैं, साथ ही साथ सोना चांदी है, फिर लकड़ी से बने सामान हैं जो कि विदेशों में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा है, इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को क्या करते हैं, विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल के रूप में निर्मित करते हैं, और भारत का विकास विविध और शीघ्र ही इसमें विकास में ये निहित हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल को विभिन्न रूप में अधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में हम तैयार करके उसको बेच रहे हैं। फिर देखेंगे कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के से पृथक नहीं है, जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि कृषि और उद्योग जो है एक दूसरे से पृथक नहीं है। क्यों पृथक नहीं है, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसे हैं जो कृषि से ही कच्चा माल उत्पादन होता है, जैसे कि जूट बनेगा तो वह भी कच्चा माल होगा, कपास उसकी भी खेती होती है, तो इसी तरह से ये दूसरे क्या है, एक दूसरे से पृथक ये नहीं है, क्योंकि जो उद्योग है वह किस पर आश्रित होगा, कृषि उत्पादन पर आश्रित होगा। इसीलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि भारत में जो कृषि पर आधारित उद्योग जो है उसकी पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, साथ ही साथ
उद्योग जो है कच्चे माल के लिए कृषि पर, उद्योग जो है वह क्या करेगा, विकास और स्पर्धा में ना केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया को सक्षम हुई है, मतलब उत्पादन में भी तेजी आई है, मतलब आधुनिक तकनीक को हम अपनाकर उत्पादन में भी वृद्धि करते जा रहे हैं जिससे कि उसमें गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा हम कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब हम वस्तुओं में गुणवत्ता लेकर आएंगे। फिर देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। पिछले दो दशक में हम देखेंगे कि घरेलू उत्पादन और विनिर्माण उद्योग जो है 27% में से 17% ही जो है, 10% भाग खनिज खनन गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25% से 35% तथा पिछले दशक से प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। मतलब यहाँ पर क्या होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। देखिए यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ पर 12% अपेक्षित है, फिर यहाँ से 9 से 10% में प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुआ है। इसी तरह हम देखेंगे, इससे अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उद्योग जो है अगले एक दशक में अपना लक्ष्य जो है वह पूरा कर सकता है। इसके उद्देश्य में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है जिससे कि लोग अपने उत्पादन में गुणवत्ता में उसको अब बनाकर रखें, ताकि उत्पादन अधिक से अधिक यदि करते हैं तो उसमें गुणवत्ता भी होनी बहुत ही आवश्यक है। फिर हम देखेंगे औद्योगिक अब स्थिति क्या है। अब उद्योगों की स्थापना स्वभावतः हम क्या होगा, जटिल है, लेकिन इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता है ना, कच्चा माल होना आवश्यक है, श्रमिक पूंजी शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता होना आवश्यक है। क्योंकि अगर ये सब चीजें जो है औद्योगिक अब स्थिति को प्रभावित करती हैं। सभी कारकों को एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है कि सारी चीजें, क्योंकि बाजार भी हमें नहीं मिलेगी, कच्चा माल भी हमें एक ही जगह पर नहीं मिलेगा, उद्योग भी हमें एक ही जगह पर नहीं मिलेगा, श्रमिक भी एक ही जगह पर नहीं मिलते। लगभग थोड़ा आसपास ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एक जगह जो है ये सभी कारकों का होना संभव नहीं होता है। और ये कारक उपलब्ध हों तो उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है, क्योंकि अगर आसपास ये सारी कारक प्राप्त होंगे तो वह कम से कम कीमत पर और कम से कम लागत में वस्तु का उत्पादन आसानी से हो सकता है। इस तरह से नगर और उद्योग में बाजार तथा सेवाएं जो होती है ना, नगर और उद्योग में उद्योगों को बाजार सेवाएं जैसे बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, श्रमिक है तथा वित्तीय सलाह आदि भी उपलब्ध उनको कराते हैं। इससे ये होता है कि आसपास जो केंद्रित हो जाते हैं और समूह बचत कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, वे एक समूह बचत के रूप में एक संस्था बनाते हैं जिसमें कि सामूहिक रूप से बचत कर सकते हैं। फिर है उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम उद्योगों का वर्गीकरण जब करेंगे तो इसमें कच्चे माल के आधार पर, जैसे उद्योगों में उत्पादन की सूची हम सबसे पहले बनाएंगे तो उसमें हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, रजिस्टर, बिजली, बल्ब, वनस्पति, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन आदि, ये सारी चीजें जो है हमारे लिए उद्योगों को, इन सब के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जो हमारे पास कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो कृषि पर आधारित उद्योग है, तो सबसे पहले कौन सा है, सूत्री वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी आदि, वनस्पति तेल उद्योग आदि, ये सारी चीजें क्या है, कृषि पर आधारित है। फिर देखेंगे खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज मतलब जिसको, जो खनिज से ही वहां पर उत्पादन होता है, जैसे लोहा है, इस्पात है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, मशीन है और औजार तथा पेट्रोलियम उद्योग जो है, जिससे कि ये खनिज पर आधारित उद्योग कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। तो सबसे पहले देखेंगे आधारभूत उद्योग। अब आधारभूत उद्योग क्या कहलाएंगे, जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। तो कौन से उसमें निर्भर होते हैं, लोहा, इस्पात है, तांबा है, व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग है, जो कि एक दूसरे उद्योग पर ये क्या है, उनके बिना ये कार्य
नहीं कर सकते। फिर देखेंगे उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग साधन उपधाओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी है, दंतमंजन है, कागज है, पंखे हैं, सिलाई की मशीन आदि। उपभोक्ता क्या करते हैं, इनको सीधा उपयोग करते हैं। फिर देखेंगे निवेश के आधार पर। निवेश के आधार पर उद्योग, निवेश के आधार पर कैसे होगा, एक लघु उद्योग जो परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश लगाता है और अधिकतम स्वीकार निवेश के आधार पर ही की जाती है। फिर देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार का मतलब जो यह जो है किसके आश्रित है, यदि निजी है तो वह एक व्यक्ति के स्वामित्व के निर्भर होगा, यदि सार्वजनिक है तो वह सरकारी उद्योग होगा, और यदि संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार और निजी दोनों का संयुक्त रूप से उसको चलाते हैं उसको हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। फिर है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या है, सूती वस्त्र पटसन रेशम ऊनी चीनी वनस्पति तेल आदि, ये जो है कहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, कच्चे माल पर प्राप्त होते हैं। फिर है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग ये अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, ये क्या करते हैं अर्थव्यवस्था में ये अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, और ये देश का जो है अकेला एक ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल के उच्चतम अधिकतर मूल्य के आधार पर ये परिपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। फिर देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन काल में सूती वस्त्र जो है हाथ से कताई करते थे, हथकरघा से बुनाई करते थे, और 18वीं शताब्दी के बाद जो करघों का उपयोग, जो विद्युतीकरण के करघों का उपयोग होने लगा था, इससे हाथ से ये वस्त्रों की बुनाई और ये बहुत ही कम हो गई है क्योंकि लोग अब आधुनिक मशीनों का उपयोग करने लगे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ उद्योग को जो इंग्लैंड ने मशीन निर्मित वस्त्रों में निर्भरता उस समय नहीं कर पाए थे, किससे स्पर्धा नहीं कर पाए थे, इंग्लैंड के साथ। जैसे कि पहले इंग्लैंड जब यहाँ आए थे तो क्या करते थे, देश का कच्चा माल लेकर अपने देश जाते थे, वहां से मशीनों से निर्माण करके सस्ते मूल्य के रूप में यहाँ पर वे वस्त्र को बेच देते थे। फिर देखेंगे आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग जो था कहाँ था, ये महाराष्ट्र तथा गुजरात के पास था, क्योंकि यहाँ पर कपास उत्पादन क्षेत्र बहुत ही ज्यादा थी और कपास की उपलब्धता थी, बाजार भी था, परिवहन भी था, पत्तन भी था, और साथ ही साथ पत्तनों की समीपता और श्रम जो है नमयुक्त होने के कारण इससे वहां पर स्थायी जो स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला था, और कृषक जो थे वो कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले, ये सारे लोगों को क्या हुआ, उससे जीविका मिला, उनको जीविका प्रदान किया गया। साथ ही साथ रसायन रंजक मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री भी उस समय उद्योगों का, इससे क्या हुआ, इस उद्योग का अधिक से अधिक विकास हुआ। फिर कताई कार्य जो है महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु में केंद्रित था, लेकिन सूती रेशम जरी कशीदाकारी बुनाई जो है परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए, यहाँ पर उसको कह जो परंपरागत बुनाई के कौशल जो थे डिजाइन को अत्यधिक विकेंद्रीकृत किया गया, क्योंकि इससे क्या हुआ जो कशीदा का जरी कशीदाकारी करते थे उनको भी प्रोत्साहित किया गया। फिर देखेंगे बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है किंतु रेशे से उत्पादित उच्च स्तरीय धागे इसमें प्रयोग नहीं कर पाते, हाथ से बुनी हुई खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकर अपने घर के पैमाने पर रोजगार को क्या करता है, बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। फिर देखेंगे कि भारत और जापान को जब सूत्र का निर्यात करता है तो भारत में बने जो सूती वस्त्र के अन्य आयातक संयुक्त राष्ट्र होते हैं, उसमें कौन कौन से देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, पूर्वी देश नेपाल, सिंगापुर तथा अफ्रीका के देश थे। इस तरह से देखेंगे कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो एक चौथाई भाग था वह कताई कारखाने विश्व स्तर पर इस प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जब कुछ बड़े और आधुनिक कारखाने हैं जिनको की छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिनको स्थानीय बाजार की मांग से ही पूरा कर सकते थे, इसके साथ सूती धागे का निर्यात भी करते हैं और यहाँ पर परिधान निर्माता कपड़ा का भी आयात करना पड़ता है कि हम क्या करते हैं सूती धागे हैं उसका भी हम निर्यात करते हैं।
फिर हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे निर्यात की अपेक्षा यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण अनुकूल है, जिसके कारण की जैव निम्नीकरण और पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता पुनः जूट के अवसर के उत्पादों के लिए अपने प्रदान अवसर प्रदान करता है। फिर हम देखेंगे चीनी उद्योग। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, लेकिन यहाँ पर गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, और साथ ही साथ इसके उपयुक्त कच्चा माल जो है यहाँ पर भारी मात्रा में पाया जाता है। चीनी मिलें कहाँ कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में ये सब फैली हुई है। लेकिन कुछ वर्षों में मिलों की संख्या जो है दक्षिण पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसलिए हम देखते हैं उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ किस प्रकार से हैं। जो उद्योग हमारे पास है उनकी चुनौतियाँ भी कुछ होती हैं, जैसे इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व अक्षम तकनीक के कारण इसमें क्या है, ये अल्पकालिक होता है। जब गन्ने का उत्पादन होता है तभी एक कार्य होता है, और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर देखें खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग देखेंगे, इसमें वे उद्योग हैं जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? वे उद्योग जो खनिज व धातु कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। फिर लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसमें सभी जो है भारी व हल्के मध्यम उद्योग से बनी मशीनरी पर निर्भर करता है। मतलब ये इसलिए है क्योंकि इसे छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी सामग्री तक लोहे से बनाई जाती है, इसलिए हम इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। और टेलीफोन वैज्ञानिक उपकरण जो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को विनिर्माण में इसके लिए आवश्यक होती है। फिर इस्पात में उत्पादन खपत का प्रायः क्या एक देश के विकास में पैमाना माना जाता है, और यह प्रयुक्त कच्चा माल स्थूल है जिसमें आवश्यकता होती है। इसमें जो लौह अयस्क है, कोकिंग कोल है, चूना है, पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का होता है। इसी में कुछ मैगनीज की कुछ मात्राएं भी होती हैं जिसकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यहाँ पर निर्मित माल को हम बाजार तथा उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की भी आवश्यकता होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर यह स्पंज लोह का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, जिससे कि अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम की इससे अधिक जिसे प्रति व्यक्ति औसत खपत हुई है, जिसमें 224.5 किलोग्राम भी है।